नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नए टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजों को समझाऊंगा कि ये चीज क्या है, कैसे काम करती और भी सारी चीजों को। हाउ टू यूज ऑयल पेंट प्लग इन फोटोशॉप सीसी इन हिंदी। फोटोशॉप में प्लग इन नहीं होता ऑयल पेंट का, तो वो भी समझाऊंगा। फिल्टर कैसे डाउनलोड करना होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें मैं, अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आओ, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सारे पेड सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके बात करो, बिल्कुल चीप प्राइस में आपको अवेलेबल करा सकता हूं। तो देखेंगे यहां पर ऑयल पेंट कैसे यूज करना है और यहां पर एक्स्ट्रा प्लगइन का यूज क्या करने वाला हूं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पे रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियोस आप सभी लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब हम यहां पर बात करेंगे फोटोशॉप में। ये चीज आप थंबनेल में देख के आया होगा, सिंगल क्लिक में आपने आए होंगे यहां से। ये ऑयल पेंट का एक ऐसा नमूना है जो कि काफी बेहतर और आज के टाइम में ट्रेंड कर रहा है, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी से ये चीज होती है, सभी लोग इसका यूज करते हैं। ये क्यों यूज किया जाता है, क्या कैसे काम करता है, यही चीजों को समझेंगे। पिक्सल आर्ट में रिलेटेड आज के यंग लोग इन्हीं सारी चीजों को हेयर में यूज करते हैं ताकि उनके फोटो में काफी हॉटनेस और काफी चीजें नजर आए, काफी इफेक्ट पड़ता है इन चीजों से। तो ये चीज फोटोशॉप में कैसे करते हैं वो समझाना चाहता हूं। पिक्सल आर्ट का चैनल बिल्कुल नहीं है, फोटोग्राफी से रिलेटेड है, फोटो एल्बम बनाने से रिलेटेड है, वेडिंग फोटोग्राफी के लिए और फोटोग्राफी के बिजनेस के लिए मॉड्यूलर फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर मैं सिखाता हूं। इन चीजों के लिए यहां पर आना। पिक्सल आर्ट के लिए अगर आप चाहते हैं, बिल्कुल यहां ट्यूटोरियल नहीं मिल पाएगी, आगे हो सकता है कि मैं कोशिश कर पाऊं, पर करेंट टाइम में मैं फोटोशॉप ही सिखा रहा हूं। यहां देखेंगे ये चीज, मैंने प्लग इन क्या चीज है बोला, तो प्लग इन यहां पर एक्स्ट्रा फिल्टर्स, ये जो चीजें डाउनलोड किया है मैंने, ये चीज से इंस्टॉल करना, इसका भी प्रोसेस बताया। अगर ये चीज चाहिए आपको, इसका यूज करना, इसमें बताऊंगा जरूर मैं। लेकिन अगर ये चीज चाहिए तो आपको बाय करनी होगी, उसका मैं बताऊंगा चीपेस्ट प्राइस में आपको कहां अवेलेबल होगा। इंस्टाग्राम पे आके पूछो, मैं जरूर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहां से आप देखेंगे इस चीज को, समझेंगे कि कैसे कैसे चीजें काम करती। यहां से मैं इसको कट कर देने वाला हूं, थंबनेल को कट कर दिया है। यहां देखेंगे इस वाली चीज को, मैं बताता हूं आपको कि यहां पर क्या क्या प्रोसेस होगी। तो इसको मैं यहां जैसे ही बंद करूंगा, देखेंगे फोटो कुछ इस तरह से थी। ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो ये फोटो कुछ ऐसी थी। अब इसको मैंने पेंट करने के साथ साथ फेस में भी हाई क्लीनिंग दिया और फिनिशिंग किया हूं, देख पाएंगे आप। तो ये भी चीज मैं समझाऊंगा डिटेल में आपको, उस चीज को देखते हैं। यहां से नॉर्मल वे में मैं फोटो ओपन करूंगा, यहां से मैं आऊंगा सिंगल क्लिक में, इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां से ओपन कर लूंगा। जैसे ही ओपन कराऊंगा, यहां देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह से फोटो नजर आ रही है। यहां पर सारी चीजों को मैं समझाऊंगा, जूम आउट जूम इन क्या होता है, सारी चीजों को, एक एक चीज को मैं डिटेल में समझाता हूं। अगर हो सकता है कि चीजें फास्ट हो तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट तरीके से डिफाइन कर पाऊं। मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो तो बेसिक चीज तो समझ लो यार, आप सीधे आ जाते हो, पॉपुलर वीडियो देखने लग जाते हो, उसके बाद में सारी चीजों को समझने की बजाय आप एक ही में कमेंट कर देते हो कि ये चीज नहीं बन रही, आपने बहुत फास्ट बताया। ऐसा नहीं है, आपको बेसिक ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी आर्ट बालाघाट के चैनल पर, बैकएंड में जाके देखोगे, वीडियो स्क्रॉल करके नीचे में देखोगे, वहां सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यहां से इसको डुप्लीकेट कर लूंगा, सिंगल क्लिक में डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट कर लेने के बाद में एक और कॉपी बना लूंगा यहां से, मैं यहां से और एक डुप्लीकेट बनाऊंगा। ओके कर लिया, दो डुप्लीकेट फाइल, दो डुप्लीकेट और एक ओरिजिनल फाइल मेरे पास रखी है। यहां से मैं इसको क्रॉप करूंगा, सबसे पहले रेंडमली 200 के साइज में ये क्रॉप कर लूंगा, डबल क्लिक करके बस इतना कर लिया है मैंने। क्रॉप ऐसे सिलेक्ट करूंगा और यहां से मैं क्रॉप में सिलेक्ट कर दूंगा या इंटर का बटन क्लिक कर दूंगा तो ये क्रॉप हो जाएगी। ये क्रॉप हो चुकी है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप अपनी सुविधा अनुसार क्रॉप कर लेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज ही समझनी है तो मेरे को 10 कमेंट अगर आप करेंगे तो एक एक छोटी छोटी चीज समझाऊंगा, लेकिन यहां पर बेसिक इतना ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि हम एल्बम फोटोग्राफी पे आ चुके हैं, तो यहां पर वो चीज बिल्कुल नहीं समझेंगे आप कि ये इतनी सी छोटी चीज को नहीं बताया आपने और ये चीज नहीं बताया। यहां से इसको जूम करूंगा थोड़ा सा, यहां पर ऑयल पेंट करूंगा, सबसे पहले मेरा एक ही काम है। इधर आना फिल्टर में, ऑयल पेंट नहीं मिलेगा तो गूगल कर लो, ऑयल पेंट डाउनलोड करना भी सिखाया मैंने, सारी चीजें बताया हुआ है, आप कोशिश करिए। CS3 में भी ये चीज अलॉट होती है। यहां देखेंगे इधर पे क्लिक करेंगे और यहां से मैं इसमें बटन में क्लिक कर दूंगा, देखेंगे यहां से कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा जूम करूंगा, ये कुछ ऐसा आपको अभी हेयर नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखेंगे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इसको मैं बढ़ा दूंगा,
फुल कर दूंगा कंप्लीटली यहां तक के। अब आप देखेंगे इसके परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस है, और इसको भी फुल कर दूंगा। ये आपने कंप्लीट कर लिया, बस इतना ही चाहिए था आपको और इतना आपने कर लिया है, बस ओके कर दूंगा। नॉर्मल वे में बिल्कुल शानदार तरीके से चीज चल गई और काम कर गई। यहां पर मुझे अल्टर के साथ में एक लेयर मास्क बनाना, इससे क्या होगा नहीं बनाना है अल्टर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां सिर्फ एक लेयर मास्क बनाएंगे इस वाले बटन को क्लिक करके। अगर आपको लेयर लाना नहीं आ रहा है, विंडो में आके लेयर भी ला सकते हैं, यहां पर इस चीज में क्लिक कर दूंगा। और यहां से आएंगे इमेज एडजस्टमेंट, और यहां इनवर्स का एक बटन है, इस लेयर पे एक्टिव रहते हुए अगर इनवर्स करेंगे तो ये चीज बंद हो जाएगा जो आपने वर्क किया है। यहां से व्हाइट ब्लैक में आऊंगा, इधर पे देखेंगे और इसमें चलाना है मुझे। यहां से ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखेंगे यहां पर रखना है ऊपर व्हाइट और नीचे ब्लैक, और यहां पर ब्लैक होगा तो, या फिर इसको ऊपर नीचे ब्लैक व्हाइट करके देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये चीज हो गई, देखेंगे यहां से मैं सारी चीजों को समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा मैं वर्क कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझा सकूं। ध्यान से देखेंगे ये चीज बिल्कुल 100% काम करेगी। अगर आप कोशिश करेंगे समझने की इस चीज को तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कोशिश करिए कि यहां पर कोई चीज ना छूट जाए, अगर छूट जाती तो आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा आप लोगों को कि ये कैसे कैसे काम करता है। यहां से इसको जूम करने के बाद या फिर कैसे भी चला सकते हैं आप। और अब यहां पे जूम करूंगा और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करूंगा, मैं यहां से ओपेसिटी कम करूंगा 26 लगभग, और यहां से फिर से मैं इसको चलाना चाहता हूं। यहां पर फिर भी प्रीमियम क्वालिटी की चीज नजर आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यहां पर जितने भी बाल हैं वो सारे मेरे को बिल्कुल शानदार तरीके से चाहिए है, इसलिए मैं इस पर वर्क करूंगा। यहां पर देख लेते हैं सारी चीजें, और यहां से थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि इसमें और वर्क करना चाहिए तो जूम करूंगा और यहां से मैं थोड़ा सा इस पर और वर्क करूंगा, जैसे कि इसको छोटा कर लूंगा, बहुत छोटा, और इसके ऊपर वर्क करूंगा मैं। ये नॉर्मल वे में कर रहा हूं। ये चीज किसी भी स्टूडियो की फोटो के लिए डिपेंड नहीं करता है, पर ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं आपकी दुकान में या आपके ऑफिस में, कोई कस्टमर ऐसे आ जाते हैं जिनको ऐसी चीजें चाहिए होती हैं, तो उनके लिए ये चीज बिल्कुल काम करती है। फ्लो को कर दूंगा कम और यहां से मैं इसको थोड़ा सा चला दूंगा। ध्यान से समझेंगे यार, बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये चीज हो गई, ये कंप्लीटली आपने कर लिया है। नीचे वाले लेयर पे आना है और नीचे वाले लेयर पे आपको एक वर्क करना है। इधर आना है इमेज एडजस्टमेंट और लेवल में आएंगे, और लेवल थोड़ा सा बढ़ा दूंगा मैं। यहां से आएंगे और लेवल पे आने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उससे पहले आपको एक और काम करना है, वो काम ये है कि इसी वाले लेयर पे रहते हुए एक्टिव रहेंगे, और इस वाले नीचे वाले लेयर पे रहना है आपको, और यहां से आपको फिल्टर चलाना है। ये फिल्टर अगर आपको परचेस करना है तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां आके बात करो, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा। यहां सिंगल क्लिक करना है और ओके क्लिक कर दूंगा। बस ये देखेंगे आप अंतर दिखाया आपने यहां पर सॉफ्टवेयर के जरिए देखा, और इसको फेड में आके थोड़ा सा कम कर दूंगा 91%, और बस इतना काफी है। अब यहां से मैं इसके ऊपर रहते हुए एक और फिल्टर चलाना चाहता हूं, नेट इमेज का। दोनों फिल्टर यूज करने की मेरी आदत हो गई, इसलिए मैं चीज काम में लेता हूं। यहां से क्लियर हो गया और यहां से इसको अप्लाई कर दूंगा। कुछ चीजों में डिस्टर्बेंस होगा लेकिन उसको मैन्युअली सुधारा जा सकता है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। स्पीड बता रहे हैं बोलेंगे आप तो ये चीज बिल्कुल जायज नहीं है। स्पीड बता जरूर रहा हूं लेकिन सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूं। यहां पर इस वाले मास्क पे रहते हुए आपको एक और काम करना है। आईब्रो को छोड़ दिया था आपने तो इसके ऊपर आईब्रो के ऊपर भी आपको वर्क करना है। दोनों को 100% रखेंगे और वर्क करूंगा मैं इसके ऊपर। ये ऑयल पेंट कर ही रहे हैं तो ऐसा करो कि बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी से लगे आपको। ये बिल्कुल आपने कर लिया पेंट कंप्लीट। अब यहां से फिनिशिंग भी कर लिया आपने। अब यहां पर थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ये ट्यूटोरियल में हूं, किसी प्रकार का रोक नहीं लगाता हूं मैं, यहां पर रोकता नहीं हूं ट्यूटोरियल को, इसलिए मैं जो होता है डायरेक्ट लाइव दिखाता हूं। कंट्रोल लेटर शिफ्ट और ई के साथ एक स्नैपशॉट बना लेंगे, कंप्लीटली बन गया। अब यहां से देखेंगे इसको ब्राइटनेस बढ़ाएंगे थोड़ी सी, कंट्रास्ट भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और यहां से लेवल बढ़ाएंगे। लेवल में आएंगे थोड़ा सा लेवल चेक करेंगे, यहां से लेवल में आएंगे थोड़ा सा ब्राइटनेस, और ये कंट्रास्ट थोड़ा सा लाइट भी बढ़ाएंगे। अब आप देखेंगे यहां पर जो चीज पहले वाले लेयर में थी उसमें और अभी आपने जो डिजाइन किया है उसमें क्या अंतर आया, और आपको क्या चीजें सीखने को मिली और क्या चीजें समझने को मिली। यहां पर सिंगल क्लिक करूंगा तो ये पहले था और अभी कुछ ऐसा हो गया। अगर आप चाहें तो इस वाली लाइट को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर कम करना है तो आपको बता दूं कि कम कैसे करना है, तो यहां पर रहते हुए आपको ये वाला बटन दबाना होगा, ब्रश वाला बटन, और यहां से सिलेक्शन बनाना है इसका, इसकी ओपेसिटी को करना है कम, और इसके ऊपर रहते हुए, इस वाले लेयर के ऊपर रहते हुए यहां से थोड़ा सा इसको चलाना है। ये कम हो गया ब्राइटनेस आपका, देखेंगे यहां से बिल्कुल कम हो जाएगा आपका ब्राइटनेस।
देखेंगे, ये सारी चीजों को ऐड किया जा सकता है, मैन्युअली सारे वर्क किए जा सकते हैं। और भी चीजों में अगर हाई फिनिशिंग करना है तो आप आर्ट बालाघाट की पूरी सीरीज को देखिए यार, आपको बेस्ट तरीके से चीजें समझने को मिलेगी। ये चीज स्टूडियो में बिल्कुल नहीं करते इतनी सारी चीजें, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको इन चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ट्यूटोरियल बनाना जरूरी है। एजुकेशन पर्पज के हिसाब से चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा था ट्यूटोरियल कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा हो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे हमारे चैनल आर्ट बालाघाट को। मुझसे बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे आओ, मैं आपसे बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट देखने के लिए आर्ट बालाघाट को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वेडिंग से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।